हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया था, उसका आज हमारा फाइनल पार्ट है। तो हम वो फाइनल पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आज स्टार्ट करेंगे सिख रूल से, और जो लास्ट रूल था हमारे पास डोगरा रूल, वो हम स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में ही फिनिश भी कर देंगे। इससे पहले वाली वीडियोज अगर आप देखना चाहते हो, हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर लिखा होगा जेके एसएसबी नहीं जम्मू कश्मीर हिस्ट्री। तो आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में बाकी की वीडियोस को देख सकते हो। उसी तरह से और भी कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगे जहाँ पे आप बाकी की वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर हम सिख रूल से स्टार्ट करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके काम आने वाले हैं वो हम सभी के सभी डिस्कस करेंगे। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना देना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब नोट्स बनाऊंगा और कब अपलोड करूंगा। और सब कुछ आपको वन बाय वन बताता जाऊंगा, जितनी भी चीज़ें होंगी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आराम से समझना। फाइनल पार्ट का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद हम कभी डिस्कस ही नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी इसके बाद हमने कई सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमने इंडियन हिस्ट्री में किया था, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसका सेशन आपके लिए आएगा आपके एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि आपका क्लास फोर का तो एग्जाम बाद में होना है, पहले आपको जो एग्ज़ाम है वो पंचायत वाला होना है और वहाँ पर भी सिलेबस है। तो ये वाले क्वेश्चन मैं पहले कवर करवाऊंगा आपको, और साथ ही साथ क्या बोलने का था मैं भूल गया, चलो जो भी है सब कुछ कवर करवा दूंगा। और हाँ, कभी अगर इन फ्यूचर अगर आपको और डीप में पढ़ना होगा तो ज़रूर आपको पढ़ा दूंगा। अभी जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और कल की वीडियो में मैंने गलती मतलब आपको चीज़ गलत बता दी थी वहाँ पर, एक्चुअली मैं पहले ठीक बताया फिर बाद में गलत कर दिया था उसको। तो आप सभी ने कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को करेक्ट किया था, तो आप सभी को थैंक यू जिन्होंने भी मेरी मिस्टेक को ढूंढा और मुझे बताया था वहाँ पर। और उसके बाद मैंने बताया क्या था एक्चुअली में, बुट शिकन किसको कहा जाता है, बुट शिकन कहा जाता था सिकंदर को और बुध शाह कहा जाता था जैनुल अबिदीन को। तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट की वीडियो में कह दिया कि बुट शाह जो है वो कहा जाता है, मैंने शायद से बुट शाह मैंने जैन उल अब्दीन के लिए क्या कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह की कोई मिस्टेक हो गई थी, तो आज को ठीक कर रहा हूँ। बुट शिकन जो है वो सिकंदर को कहा जाता था और बुट शाह जो है वो जैन उल अब्दीन को कहा जाता था। जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, मैंने उस चीज़ को देखा और उसके बाद फिर मैंने वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके उसको पिन कर दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दिया था, और टेलीग्राम वगैरह में जितने भी चैनल हैं वहाँ पर भी सबको बता दिया था इस मिस्टेक को करेक्ट कर देना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिख रूल से। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अफगान डायनेस्टी वगैरह पढ़ी थी। अफगान अगर हम बात करें अफगानियों की, तो उनके लास्ट गवर्नर कौन से थे, उनके जो लास्ट गवर्नर थे वो थे जबार खान, ठीक है। हमने समझा था वहाँ पर सिख वगैरह वहाँ पर एंट्री कर गए थे, तो रंजीत सिंह जो है वो 1819 में एंट्री करते हैं। मतलब 1819 में क्या होता है, जो कश्मीर है वो रंजीत सिंह के अंडर आ जाता है, उनके कब्जे में आ जाता है। और रंजीत सिंह यहाँ पर कश्मीर में पहली बार नहीं आए थे, इससे पहले भी वो दो बार ट्राई कर चुके थे, 1813 और 1814 में भी वो ट्राई कर चुके थे, बट वो जीत नहीं पाए थे। फाइनली 1819 में वो आकर यहाँ पर जीत जाते हैं। ये सब कब होता है, हम अफगान रूल के बाद की बात कर रहे हैं, और यहीं से सिख रूल जो है इस्टेब्लिश होता है। अब यहाँ पर जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पहले सिख गवर्नर कौन से थे, लास्ट सिख गवर्नर कौन से थे। अगर पहले सिख गवर्नर की बात करें वो है दीवान मोतीराम, याद रखना। लास्ट सिख गवर्नर कौन से थे, वो थे शेख इमामुद्दीन, ये भी आपको याद रखना है। पहले गवर्नर कौन थे, लास्ट गवर्नर कौन थे, और इनके टाइम पीरियड पर पॉपुलर गवर्नर कौन से थे, वो थे मियान सिंह। इन्हें कर्नल के नाम से भी बुलाया जाता था वहाँ पर, नाम था मियान सिंह बट इनको नॉर्मली वहाँ पर क्या कहते थे, कर्नल के नाम से इनको बुलाया जाता था। जो भी हमारे पास सिख एम्पायर है पूरा, उसके जो भी इंपॉर्टेंट दो तीन क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें रंजीत सिंह के, तो थे कौन, ये एक्चुअली मियान सिंह के बेटे थे और इनको बुद्ध सिंह भी कहा जाता है। अगर हम रंजीत सिंह की बात करें, इन्हें बुद्ध सिंह भी यहाँ पर कहा जाता था, ये चीज़ याद रखना। अब होता क्या है, 1830 में हम बात करें, 1830 में जो गोल्डन टेम्पल था ना, ये म्यान सिंह अलग हैं, ठीक है। ये म्यान सिंह कौन है, ये रंजीत सिंह के पापा, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1830 में क्या करते हैं रंजीत सिंह, जो गोल्डन टेम्पल है ना उसकी पूरी कोटिंग करवाते हैं। मतलब पहले गोल्डन की कोटिंग तो होती नहीं वहाँ पे, तो बाद में गोल्डन की कोटिंग करवाते तभी उसका नाम गोल्डन टेम्पल पड़ता है। और गोल्डन टेम्पल एक्चुअली बनाया किसने था वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब 1839 में क्या होता है, इनके बाद आते हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह जो है ना, एक्चुअली रंजीत सिंह की बात करें, इनके आठ बेटे होते हैं, आठ बेटों में जो सबसे बड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं रंजीत, वो होते हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह की बात करें ना, वो चाहते भी, रंजीत सिंह चाहते भी थे कि जो खड़क सिंह है आगे वो थ्रोन पर आए, मतलब आगे उनके कब्जे में सब कुछ हो, बट खड़क सिंह इतने एबल नहीं रहते, इतने काबिल नहीं होते, जो भी है बीमार वगैरह भी रहते हैं ये।
तो खड़क सिंह के बाद कौन आता है? खड़क सिंह के बाद आते हैं प्रिंस नव निहाल सिंह। तो इसका नाम नव भी देखने को मिलता है, बट विकिपीडिया में चेक करें तो वहाँ पे एन ए यू स्पेलिंग रहते हैं, तो प्रिंस नव निहाल सिंह जो है इनके बाद आते हैं। खड़क सिंह बीमार रहते हैं ना, ज़्यादा टाइम पीरियड पर रहते नहीं, 1839 में आते हैं और 1839 में गायब हो जाते हैं, और 1840 में खड़क सिंह की डेथ हो जाती है। और उसकी उनकी डेथ के बाद कौन आता है? खड़क सिंह थे कौन? सबसे बड़े बेटे थे रंजीत सिंह के। तो खड़क सिंह जब निकले फिर आगे कौन आता है? फिर आते प्रिंस नव निहाल सिंह आते। और प्रिंस नव निहाल सिंह की बात करें ना, होता क्या है, ये भी 1839 पे बनते हैं राजा, और 1840 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। होता क्या है, 1840 में जब खड़ग सिंह की डेथ होती है तो लास्ट राइड्स करने के बाद प्रिंस नवनिहाल सिंह अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, तो कहा जाता है कोई पत्थर वगैरह इनके ऊपर गिरता है, मतलब इनकी तो इनका जिस गाड़ी में जा रहे होते हैं ना, जिसमें ये जा रहे होते हैं, उसके कुछ ही स्टेप पीछे एक राइटर रहते हैं, मतलब जिन्होंने कहानी वगैरह लिखी है, बुक वगैरह लिखी है, उसमें वो बताते हैं कि प्रिंस नवनिहाल सिंह का क्या होता है, जब वो लास्ट राइड करके वापस घर की तरफ निकल रहे होते हैं तब ऊपर से कोई पत्थर वगैरह गिरते हैं, तो नवनिहाल सिंह के साथ में जो दो आदमी बैठे होते हैं वो तो बुरी तरह से मतलब घायल हो जाते हैं, कह सकते हो कि डेथ वगैरह ही हो गई थी, बट प्रिंस नवनिहाल सिंह की हालत ऐसी होती है कि ये खुद चल के थोड़ा आगे तक जाते हैं, और बाद में हाँ नहीं चला जाता तो बोलते स्ट्रेचर ले आओ, तो उसकी हेल्प से घर तक जाते हैं। बट हम बात करें मतलब इतनी सही कंडीशन होती है, बट जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर जो उनका सर वगैरह है वो पूरी तरह से मतलब बेडशीट वो पूरी खून से भरी होती है, और पूरा स्कल वगैरह पूरी तरह से टूट गया होता है। अब वो क्या मिस्ट्री थी, वो तो सॉल्व वगैरह नहीं हुई थी, बट हाँ ये कहा जाता है कि रीज़न ये दिया जाता है कि जो पत्थर वगैरह गिरे थे उसकी वजह से उनकी डेथ वगैरह हुई थी, मेजर इंजरी वगैरह उसकी वजह से हुई थी। जो भी था 19 साल की उम्र में डेथ हो जाती है, तो मतलब ये 1-1.5 महीना भी नहीं किंग बन पाते हैं, 1-1.5 महीने के लिए भी वहाँ पे रूलर नहीं रहते हैं। 8 से 9 अक्टूबर को रहते हैं, और फिर 8 या 9 नवंबर को ही इनका मतलब डेथ हो जाती है। मैंने मैं बात की प्रिंस नवनिहाल सिंह की, तो पहले कौन आए, रंजीत सिंह आए थे, रंजीत सिंह के बाद कौन आते, खड़क सिंह उनके बेटे थे, खड़क सिंह के बाद उनका बेटा आता है कौन, प्रिंस नवनिहाल सिंह। ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, डेथ हो जाते किसी भी रीज़न से। फिर बाद में थे चंदकौर, चंदकौर होते कौन है, चंदकौर जो है ये खड़क सिंह की वाइफ होती हैं और प्रिंस नवनिहाल सिंह की मम्मा होते हैं, ठीक है। फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं, ये भी 2-2.5 महीने के लिए वहाँ पे रूल करते हैं, और इसके बाद क्या होता है, चंदकौर के बाद कौन आता है, चंदकौर के बाद रूलर कौन बन जाता है, शेर सिंह बन जाता है। शेर सिंह कौन होते हैं, शेर सिंह भी जो है वो रंजीत सिंह के बेटे होते हैं। रंजीत सिंह का पहले बेटा कौन सा आया था, खड़क सिंह आया था, रूल किया था तो कुछ हो नहीं पाया, फिर बाद में कौन आता है, शेर सिंह जो है वो बाद में रूल यहाँ पर करते हैं। एक्चुअली अब सिख रूल देखोगे ना, 1819 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर 1846 में ख़त्म हो गया था, तो मतलब 25-26 या 27 साल ही रूल करता है, ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता ये। फिर शेर सिंह यहाँ पर आते हैं, शेर सिंह की बात करें 1841 से लेके 1843 तक ये रूल करते हैं, और बाद में इनको मार दिया जाता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद है दुलीप सिंह। दुलीप सिंह कौन है, दुलीप सिंह भी जो है वो भी रंजीत सिंह के बेटे होते हैं, तो ये भी यहाँ पर रूल वगैरह करते हैं। ये लास्ट रूलर आप इनको कह सकते हो, सिख डायनेस्टी जो आप कह सकते हो, सिख रूल कह सकते हो, उसके लास्ट रूलर कौन होते हैं, वो होते हैं दुलीप सिंह। टाइम पीरियड के रहता है 1843 से लेके 1846 तक ये रूल करते हैं, और ट्रीटी ऑफ लाहौर इनके टाइम पीरियड पर साइन होती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर आप सभी ने सुना होगा, दो ट्रीटी होती है लाहौर वाली, ये मैं लास्ट वाली बात कर रहा हूँ, बाद वाली बात कर रहा हूँ। ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है एक 1846 में होती है, जो 9 मार्च 1846 में होती है। यहाँ पर होता क्या है, किस किस के बीच में होता समझौता, ये होता दुलीप सिंह के बीच में, जो लास्ट रूलर हैं सिख डायनेस्टी के उनके बीच में, और सर हेनरी हार्डिंग्स के बीच में ये ट्रीटी वगैरह साइन होती है। और सर हेनरी हार्डिंग्स कौन होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो यहाँ पर आए होते हैं। और ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें, हमने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था ना कि जब अंग्रेज़ वगैरह आए थे तो सबसे पहले तो उन्होंने मतलब आपस में लड़ाई वगैरह की थी, कैसे एक दूसरे को हटाया था यहाँ से, और बाद में फिर इंडिया की तरफ हमने एंट्री की थी कि बंगाल में ये हो रहा था, मैसूर में ये हो रहा था, पंजाब में ये हो रहा था, तो एंग्लो कार्टिक वार्स, इसी तरह से एंग्लो सिख वार भी हमने देखी थी ना कि अंग्रेज़ों के बीच में और सिखों के बीच में भी लड़ाई हुई थी और सिख वहाँ पर हार गए थे। जो पहली फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी वो 1845 से लेकर 1846 के बीच पर ही हुई थी, और उसी टाइम में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी। क्यों, क्योंकि जो है सिख वगैरह सरदार जो थे यहाँ पर, वो यहाँ पर हार गए थे, और हारने के बाद यहाँ पर ट्रीटी साइन हुई थी, कहा गया था तुम्हें 1 करोड़ रुपए दो, और कुछ शर्तें वहाँ पर रखी गई थी, वैसे यहाँ पर ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी किसके बीच में, दुलीप सिंह के बीच में और सर हेनरी हार्डिंग्स के बीच में, मतलब जो लास्ट रूलर थे सिख डेंसिटी के ना, उनके बीच में ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी। और इसके बाद क्या हुआ, जो पूरी टेरिटरी थी आप कह सकते हो तो कई सारी टेरिटरी जो थी वो अंग्रेज़ों के अंडर आ गई थी, और कश्मीर भी यहाँ पर अंग्रेज़ों के अंडर आ गया था, उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि अंग्रेज़ों को तो पैसा चाहिए, तो कुछ देर के बाद, ये ट्रीटी कब हुई थी, 9 मार्च 1846 को हुई थी ना, और कुछ ही देर पहले हम बात करें 16 मार्च 1846 को एक और ट्रीटी साइन होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर है हमारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करें, देखो 9 मार्च को ये वाली हुई और 16 मार्च को ये होती है, ये ट्रीटी किसके बीच में होती है,
राजा गुलाब सिंह के बीच में, और फ्रेडरिक क्योरी बर्नेट और मेजर लॉरेंस वहाँ पर होते हैं, ये भी ईस्ट इंडिया की तरफ से होते हैं। इनको भी भेजा एक्चुअली मैंने होता है, इनको भी हेनरी हार्डिंग ने भी भेजा होता है, लेकिन ट्रीटी होती किसके बीच में है, राजा गुलाब सिंह के बीच में और क्योरी बर्नेट और मेजर लॉरेंस के बीच में ये वाली ट्रीटी रहती है। कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रखना कि गुलाब सिंह और एक क्यूरियस था कोई बंदा, एक बंदा क्यूरियस था जो यहाँ पर आता है, तो गुलाब सिंह तो आपको याद रहेगा रहेगा, क्यूरियस से आप क्यूरी बना सकते हो, ठीक है। तो और मेजर लॉरेंस जो थे यहाँ पर आए थे, और 75 लाख रुपये, 75 लाख रुपीज़ या फिर 7.5 मिलियन रुपीज़ की बात कर लो, इतने रुपये इन्होंने लिए थे गुलाब सिंह से, और कई सारी शर्तें वहाँ पर रखी थी, और उसके बाद कहा था गुलाब सिंह को कि हाँ कश्मीर तुम्हारा है, जम्मू कश्मीर तुम्हारा है, तुम यहाँ पर रूल कर सकते हो। इतना आपको समझ आ गया, 75 लाख रुपीज़ और कुछ शर्तें रखी थी, जैसे कहा था कि हर साल तुम्हें क्या करना है, एक घोड़ा भेजना है, वाइट कलर का घोड़ा में भेजना है, 3-4 शॉल कुछ थे कश्मीरी शॉल वगैरह वो आपको भेजने हैं, और फिर कुछ गोट्स वगैरह का था कि वो भी भेजनी है, 7-8 शर्तें रखी थी, आपके सामने स्क्रीन पर तो नहीं होंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार खुद से जाके पढ़ लेना, सर्च वगैरह कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन यहाँ पर क्या, कितने रुपये दिए थे, 75 लाख रुपीज़ यहाँ पर दिए थे उस टाइम पीरियड पर अंग्रेज़ों को, किसने, महाराजा गुलाब सिंह ने, और उसके बाद इनके अंडर सारा जो रूल वगैरह वो आ गया था। अब 75 लाख रुपये ये कह सकते हो कि खरीद लिया था, ठीक है। तो जैसे ये ट्रीटी साइन होती है ना, उसके बाद क्या होगा, हमारे यहाँ पे डोगरा रूल जो इस्टेब्लिश हो जाता है। अब इसको हम इंडिपेंडेंट रूलर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि अभी भी अंग्रेजों का रूल था, जो ट्रीटी यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी ना उसमें कुछ बातें ऐसी थी, जैसे कहा था कि तुम अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड नहीं कर सकते, कोई चेंजेस वगैरह नहीं ला सकते हो, हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो हम ये नहीं कह सकते वो इंडिपेंडेंट थे, बट हाँ थे डोगरा के अंडर। तो डोगरा रूल यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश हो गया था जम्मू कश्मीर में, तो सिख रूल यहाँ पे खत्म हो गया था और डोगरा रूल इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, कम से कम भी 111 सालों तक ये चला था, 1952 या 1953 तक इस तरह से चलते जा रहा था। तो डोगरा रूल की बात करें, फाउंडर कौन हो जाएंगे यहाँ पे, गुलाब सिंह की बात कर लेते हैं, 1846 से लेके 1857 तक ये रहते हैं। अब इनकी टाइम पीरियड की बात करें, गुलाब सिंह का तो हमने यहाँ से पढ़ा है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की साइन यहाँ पे साइन वगैरह होती है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं महाराजा गुलाब सिंह का। अब जम्मू की बात करें, जम्मू का नाम कैसे बढ़ था, आपको पता होगा जम्बू लोचन के नाम से, है ना, जम्बू लोचन की कहानी आपने सुनी होगी कि पहले जम्बू लोचन नाम था, फिर वो जम्बू पढ़ा, फिर जम्मू के बाद वो जम्मू पढ़ा है। अब जम्मू की हिस्ट्री भी काफ़ी डीप में, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो काफ़ी डीप में है, अभी फिलहाल हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट वो बननी जाती है, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ डोगरा रूल ही डिस्कस करेंगे, और कई सारी डायनेस्टी जम्मू में भी थी वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जम्बू लोचन आपने नाम सुना ही होगा ना, जम्बू लोचन का जम्मू बना था और जम्मू का फिर वो जम्मू नाम पड़ा हमारे यहाँ पे। यहाँ पे हम गुलाब सिंह की बात कर रहे हैं, इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले की तरफ। 1808 की बात करें तो बैटल ऑफ गुम्मट, या फिर जैसे बैटल ऑफ जम्मू कह सकते हो, जो कि गुम्मट में हुई थी बैटल, उसमें ना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ये। और 1808 की बात करें, कौन सा टाइम पीरियड है, रंजीत सिंह का टाइम पीरियड, यहाँ पर हम बात करें रंजीत सिंह के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या, रंजीत सिंह ना बड़ा खुश हो जाते हैं इनकी परफॉर्मेंस को देखकर, और इनको अपनी आर्मी में इंक्लूड कर लेते हैं। 1809 में जो गुलाब सिंह की बात करें, ये एंट्री करते हैं रंजीत सिंह की आर्मी में, ठीक है। उसके बाद 1817 में क्या होता है, अब आर्मी में आ गए धीरे धीरे करके, मतलब ऊपर की तरफ उठते जाते हैं, और 1817 में क्या करते हैं, रियासी को कैप्चर कर लेते हैं जनरल जोरावर सिंह की हेल्प से। फिर आगे 1821 की बात करें, राजौरी को कैप्चर कर लेते हैं, और फिर उस वक्त किश्तवाड़ को भी कैप्चर कर लेते हैं, हर जगह मतलब जोरावर सिंह इनका साथ देते हैं, और किश्तवाड़ में तो गवर्नर भी जोरावर सिंह को बना देते हैं। फिर आगे 1822 की बात करें, मतलब इतने फेमस हो जाते हैं ना कि जम्मू रीजन को पूरे अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं, कौन, गुलाब सिंह की हम बात करें। इस तरह से ना उनके जो नाम वगैरह जो मतलब फेमस वगैरह होते रहते हैं, और यही रीज़न है कि बाद में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में गुलाब सिंह के बीच में साइन की जाते हैं, क्यों, क्योंकि अंग्रेज़ों को पैसा चाहिए था ना, और पैसा ये दे नहीं पा रहे थे, और गुलाब सिंह के पास पैसा ही पैसा था, तो गुलाब सिंह ने पैसे फेंके और अपने कंट्रोल में सब कुछ कर लिया था। अब सेकंड लार्जेस्ट जब ये ट्रीटी साइन होती है ना अमृतसर की, उसके बाद क्या होता है, कश्मीर जम्मू सब कुछ एक टेरिटरी बन जाता है, एक प्रिंसली स्टेट आप कह सकते हो वो बन जाता है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बन जाती है, पहले नंबर पे हैदराबाद होती है, और सेकेंड नंबर की जो प्रिंसली स्टेट होती है ना वो ये भी रह जाती है। प्रिंसली स्टेट आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो एक बार पॉलिटी पढ़ लेना, हालांकि इस चैनल पे मैंने पॉलिटी को पढ़ाया नहीं है, दूसरा चैनल जो हमारा अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स वाला है वहाँ पर मैं पॉलिटी कंप्लीट करवा चुका हूँ, वहाँ पर हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वहाँ पर लास्ट में क्या स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि इंडिया कैसे प्रिंसली स्टेट में बंटा हुआ था, और बाकी कुछ ऐसे भी स्टेट्स वगैरह थी वो हमने डिस्कस किया था। तो जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी ना, मतलब जहाँ पे राजा वगैरह का रूल वगैरह था, तो वैसे हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट जो जम्मू कश्मीर था, और पहली बार यहाँ पे बाउंड्री वगैरह बनाई गई थी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ। 1851 की बात करें, अगर इनके टाइम पीरियड पर क्या क्या हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वैसे तो हुआ बहुत कुछ था, बट हमने कई सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वही डिस्कस कर दी हैं। 1851 की बात करें, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं रघुनाथ टेम्पल की, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाते हैं कौन, महाराजा गुलाब सिंह की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इनके तीन बेटे थे कौन, मियान उधम सिंह, उधमपुर आपने नाम सुना होगा ना, इन्हीं के नाम पर पड़ा था, मियान रणधीर सिंह और मियान रणबीर सिंह जो इनके बेटे होते हैं, और उनकी डेथ कब होती है, गुलाब सिंह की,
1857 में इनकी डेथ होती है, तकरीबन 10.5 से 11 साल तक ये रूल वगैरह करते हैं। उनके बाद कौन आते हैं, महाराजा रणबीर सिंह आ जाते हैं। महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पीरियड की बात करें क्या रहता है, 1857 से लेके 1885 तक ये रूल करते हैं। अब इम्पोर्टेंट काम क्या क्या होते हैं इनके टाइम पीरियड पर, जैसे इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी रघुनाथ टेम्पल की, और आपको बताना चाहूँगा रणबीर स्कूल में कोई पढ़ा है क्या आप में से, मैं भी रणबीर स्कूल से मैंने 12th पास की है, तो कंप्लीट इन्होंने की थी कंस्ट्रक्शन रघुनाथ टेम्पल से, रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन जो है वो इन्होंने कंप्लीट की थी, स्टार्ट इन्होंने करवाई थी, कंप्लीट इन्होंने की थी। कैसा हो गया, जैसे हमने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था ना, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसी ने स्टार्ट करवाई थी और कंप्लीट किसने किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वहाँ पर भी ऐसा ही था, स्टार्ट किसी और ने की थी कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट किसी और ने किया था। क्या आपने वो वीडियोज़ देखी हैं, अगर नहीं भी देखी तो क्या आपको पता है, अगर पता है तो बताना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने करवाई थी कुतुब मीनार की और कंप्लीट किसने करवाई थी। आगे चलते हैं, और रणबीर जो रणबीरेश्वर टेम्पल है वो भी इन्होंने बिल्ड करवाया था। आरबीसी रणबीर पैनल कोड जो है, ऑब्वियसली बात है रणबीर नाम है तो इन्होंने लाया होगा, रणबीर पैनल कोड लाया था। और कई सारे लॉज जो थे ब्रिटिश के साथ, जो मतलब ब्रिटिश ने जो भी लॉज वगैरह बनाए हुए थे ना, सिविल लॉज हैं किसी भी तरह के लॉज हैं, वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ जम्मू कश्मीर में लेकर आए थे। प्रॉपर एक सेटलमेंट हो गया था, रेवेन्यू सेटलमेंट हो गया था, हर चीज़ अच्छी चल रही थी, मतलब फिर से आप कह सकते हो शांति वाला माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ था। आगे चलते हैं, हमने डोगरा रूलर में बात की, हमने गुलाब सिंह के बारे में बात कर ली, हमने महाराजा रणबीर सिंह के बारे में बात कर ली। इनके बाद आते हैं महाराजा प्रताप सिंह, इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, 1885 से रूल करना स्टार्ट करते हैं और 40 सालों तक रूल करते हैं। देखो डोगरा जो डायनेस्टी है ना, वो इतनी देर तक रूल क्यों कर पाए थे, क्योंकि यहाँ पे रूलर्स जो है ना वो टाइम पीरियड अच्छा बिता रहे थे। जैसे यहाँ पर देखो ये 10-11 साल तक रहे, फिर ये भी काफ़ी टाइम तक रहे, 40 साल तक रहे, इसलिए अच्छी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी डोगरा डायनेस्टी की। इनकी क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि देखो 1839 पे हुए, फिर 1839 से 40, फिर 1840 पे रहे, 1841 से 43 तक ही रहे थे, दो तीन साल, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे आगे बात करें महाराजा प्रताप सिंह की, तो दो माउंटेन रोड्स इन्होंने बनाए थे जो कि बड़ी फेमस थी, एक झेलम वैली रोड और एक बनिहाल कार्ट रोड, जो बीसी रोड के नाम से जाना जाता है जिसको। और अगर हम बात करें बनिहाल कार्ट रोड वगैरह की ना, तो यहाँ पर एक्चुअली में था क्या, ये इन्होंने अपने लिए बनाई थी, मतलब हाँ मुझे यहाँ से निकलना है, अगर किसी और को निकलना हो तो पहले परमिशन वगैरह लेनी होगी, ऐसा सिस्टम था। हालांकि बाद में उसको पब्लिक कर दिया था, पहले प्राइवेट थी बाद में पब्लिक कर दिया गया था। अब हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, पहली बार जो वाटर रिजर्वायर की कंस्ट्रक्शन करवाई थी हरवान में, और इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन जो है पहली बार बनाया गया था मोहरा में, फर्स्ट जो पावर जनरेटिंग स्टेशन आप जिसे कह सकते हो। दो कॉलेज भी बनाए थे अपने टाइम पीरियड पर, एक प्रिंस ऑफ वेल्स और एक श्री प्रताप कॉलेज। देखो मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, इस कॉलेज से ज़्यादा दूरी पर नहीं रहता, एयरपोर्ट के पास ही जाता हूँ, एयरपोर्ट से कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज मतलब जीजीएम साइंस कॉलेज की हम बात करते हैं। यहाँ पर भी एक ही बार गया हूँ मैं, यहाँ पे पास में रहता हूँ फिर भी एक ही बार गया हूँ, और श्री प्रताप कॉलेज जो कि श्रीनगर में है एसपी कॉलेज, यहाँ पर भी एक ही बार गया हूँ, दोनों कॉलेज में एक ही बार गया हूँ मैं। यहाँ पर बात करें किसने बनाए थे, ये महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनाए गए थे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस वगैरह ओपन किए गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि अब कश्मीर जो आइसोलेट नहीं है, अलग नहीं है, कश्मीर जो बाकी इंडिया से कनेक्ट हो चुका था, बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ की ब्यूटी को देख पा रहे थे, लोग विजिट करने आते थे, टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आया करते थे, यहाँ से सब कुछ सिस्टम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वैसे सड़कें बन गई थी ना, और वैसे कम्युनिकेशन सिस्टम भी बन गया था, सारे विजिट करने यहाँ पर आ रहे थे। और उसके बाद बात करें इनके बाद कौन आता है, महाराजा प्रताप सिंह के बाद इनकी बात आते हैं महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह की बात करें तो कब स्टार्ट होता है टेन्योर, इनका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है, 1925 में यहाँ पर आते हैं, और होते कौन है ये महाराजा प्रताप सिंह के नफ्यू भतीजे होते हैं इनके। इनके पापा का नाम क्या होता है, इनके बाप का नाम क्या होता है, सन ऑफ अमर सिंह के बेटे होते हैं, और लास्ट डोगरा रूलर इनको कहा जाता है, ठीक है। और स्टेट सब्जेक्ट इनके बारे में पढ़ते हैं ना, वो ये भी पहली बार लेकर आते हैं 1927 में, मतलब काफ़ी टाइम पहले से चल रहा होता है, 1927 में उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ स्टेट सब्जेक्ट सही चीज़ है, इसे हमें मानना चाहिए, उसको अलाउ कर देते हैं वहाँ पर। और 1928 की बात करें बॉयज़ की जो मैरिज की एज है वो 18 ईयर्स कर लेते हैं सेट, और लड़कियों की जो 14 ईयर्स की सेट कर लेते हैं, उससे पहले जो है जल्दी शादी हो जाती थी ना, अब एक पर्टिकुलर डेट सेट कर लेते हैं, ईयर सेट कर लेते हैं कि इस उम्र के बाद ही तुम शादी कर सकते हो। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बना देते हैं, कई सारे स्कूल वगैरह वहाँ पर खोले जाते हैं, और आप में से कई सारे स्कूल बच्चे जो है इनके स्कूल में पढ़ते भी होंगे। 26 अक्टूबर 1947 को इनके टाइम पीरियड पर सबसे अच्छा नहीं मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो आप कह सकते हो, और अच्छा भी था, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहाँ पर साइन किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर जो पूरा है वो इंडिया के अंडर आ जाता है, मतलब इंडिया के कंट्रोल में आ जाता है, इंडिया इस पर रूल करेगा। इंडिया का मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपको पता ही होगा क्या चीज़ें, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और जेके बैंक की बात करें 1938 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो भी महाराजा हरि सिंह करवाते हैं, और हेड ऑफिस श्रीनगर पर रहते हैं। अब एक बार इनका ऑर्डर समझ लो,
पहले कौन आया था? सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह आए, फिर महाराजा रणबीर सिंह आए, महाराजा प्रताप सिंह आए, महाराजा हरि सिंह आए, और उनके बाद ऐसे करण सिंह को भी रखा जाता है। इनको रूलर नहीं कह सकते हो, बट हाँ आगे वो उसको आगे पैटर्न को आगे फॉलो करने के लिए हर करण सिंह को भी गद्दी पर बिठा दिया जाता है। हालांकि अभी इंडिया 1947 में तो आज़ाद हो गया था ना, उसके बाद रूलर वगैरह कुछ है नहीं है, बट नाम का चलते डेंसिटी वगैरह चलती रहती है, तो लास्ट में करण सिंह आते हैं। बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लास्ट रूलर कौन थे डोगरा डायनेस्टी के, तो वहाँ पर बताना महाराजा हरि सिंह जो थे वो लास्ट रूलर थे, और पहले कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह थे। आपके क्लास फोर में ना इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं आएगा। हाँ अगर आप प्रिपरेशन करो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, वो ग्रेजुएशन लेवल पे है तो वहाँ पर आपका लेवल थोड़ा अच्छा रह सकता है, बट क्लास फोर में इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा। ये मत सोचना कि ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आएंगे, वैसे कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है ना, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और कई सारी चीज़ें जो हम नहीं डिस्कस करते, जो कि इंपॉर्टेंट भी होती हैं बट हम डिस्कस नहीं करते, कई चीज़ें मैं खुद स्किप कर देता हूँ, कई चीज़ें मुझे याद ही नहीं रहती कि ये भी बतानी है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना। हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं ना, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो मैं नहीं डिस्कस कर पाया, भूल गया, स्किप किया, जो भी किया, वो सारा वहाँ पर कवर हो जाएगा, तो वो भी वीडियोज़ भी ज़रूर देखना। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, और 2000 लाइक का हम टारगेट रख के चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। जेके लेटेस्ट इन्फो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम पेज है, ट्विटर है हमारा, सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में कई सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल हैं और डिस्कशन भी वहाँ पर चलती रहती है, तो आप उस ग्रुप को चाहो ज्वाइन कर सकते हो। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी बना हुआ है टेलीग्राम में, ठीक है? किसी भी तरह के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन वगैरह रहता है, कमेंट सेक्शन आपका है, आपके लिए ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू। जय हिंद।